90s की मेमोरी. I've always worn their brand products. I guess like they're the most comfortable ones, and you know, while growing up also you have very few limited options for like really good brands in terms of shoes, in terms of you know, when you're going to a gym, or the fact that you can't team up many cool looking shoes with your dresses. So they have such a cool variety, especially the white shoes. I love their white shoes, and I feel like it's such a huge brand, globally known. So yeah, I've always like bought their stuff. हाँ, एक आ रहा है रितिक वर्सेस टाइगर, विच इज नॉट द ऑफिशियल नेम ऑफ द फिल्म, बट दैट्स हाउ इट्स ट्रेंडिंग, एंड इट्स आउट ऑन अक्टूबर 2nd 2019. सो स्वीट. सो इट्स ऑल अबाउट द रीबॉक शूज देयर, एंड आई हैव जस्ट टीम्ड इट अप विद अ कैजुअल फ्लोई ड्रेस. सो दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट रीबॉक, दैट यू कैन इवन टीम इट अप विद, you know, anything casual, anything dressy, with your fitness, sportswear. So it's quite versatile that way. Thank you, Jean. Thank you. Money, money. बोलो. नो रीबॉक शूज. अनफॉर्चुनेटली दे डोंट फिट मी बिकॉज आई एम अ स्मॉल पर्सन एंड शू साइज इज आई डोंट नो वेयर दे स्टार्ट फ्रॉम, बट यू लव टू कस्टम मेक शूज फॉर मी, यू नो. आई एम लाइक अ साइज यू हैव टू, बिकॉज मेरा साइज 2.53 है, जो बनते ही नहीं है, बनते ही नहीं है. मुझे सारे जूते पर्सनलाइज करने पड़ते हैं. हाँ बोलो. Yeah, you know, actually one of my first pairs of sports shoes were Reebok only. I think it goes back because my father and mother were Reebok fans. So I'm guessing ki wo ek brand power jo hai, jo thodi si ek hai ki surety wali brand hai. So I was a child, but my parents bought me Reeboks only sabse pehle. And for me their logo is the most iconic yaar. I mean, Reebok Classic can come and lot of other designers and lot of other brands can come, but jo Reebok ka logo hai for me has been the most is the highlight of the entire Reebok series. Aur kuch '90s ki, yaar meri Shahrukh Khan ki sari picture badi favorite thi. Aap Dil To Pagal Hai le lo, aap Kuch Kuch Hota Hai le lo, aap us waqt I think for me Raj and Rahul were like the boys. So I think, and plus in Dil To Pagal Hai they did an entire sports look, right? Karishma had come with this entire, so for me it was like a hit ke suddenly Bollywood has become this, and athleisure then was had become like a look. So that is my most vivid memory if you want to link the two. Okay, this year, yeah. हाँ यार, आई लव होली. मुझे बड़ी अच्छी लगती है होली खेलनी. आई लव कलर्स, आई लव वाटर, आई लव फ्रेंड्स, आई लव द मैडनेस ऑल टुगेदर. बट इस साल मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँगी या काम कर रही हूँगी, तो पता नहीं अगर खेल पाऊँगी कि नहीं. होली विश. आई वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी फन होली. कीप इट सेफ, कीप इट रिस्पॉन्सिबल, बट हैव अ ब्लास्ट. या ऑलराइट. इतना तो बनता ही है ना. मुझे आज ही मिले हैं जी. ये जो पूरा कलेक्शन है वो 90s के स्टाइल पे आधारित है, जो मुझे अभी समझाया गया है इनसे.
But it's a very cool collection. It's all about bringing retro back. And I love my pair of sneakers. इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगे से हैं. And I just got them today and I'm going to make good use of them. जूतों का मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटेरियन पर्पस होता है. मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ, भागता बहुत हूँ, कूदता बहुत हूँ. तो दे नीड टू बी कम्फर्टेबल. दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड दीज आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल. रीबॉक इज़ एन आइकॉनिक ब्रांड एंड इट्स बिन नोन टू यू नो डिलीवर फुटवेयर फॉर पीपल ओवर द ईयर्स. दैट इज़ बिन यूटिलिटेरियन एंड दैट इज़ बिन स्टाइलिश इज वेल. सो या सो आई गेस दैट्स वॉट दे रिप्रेजेंट. 90s की तो कई सारी मेमरीज हैं. मैं 90s किड. रीबॉक शूज की कुछ खास नहीं है, बट आई रिमेंबर हैविंग अ पेयर ऑफ रीबॉक शूज व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड. जो छोटे से मतलब मेरे छोटे छोटे पाँव में जो फिट होते थे. सो आई डू रिमेंबर हैविंग अ पेयर ऑफ रीबॉक शूज एंड मुझे 1.5-2 साल चले और उसके बाद मेरे पाँव थोड़े बड़े हो गए. सो दैट्स माई मेमरी. डेली तो नहीं मिलते. जब भी मिलते हैं जी. जब आपकी पोस्ट जान लीजिए आपसे देखिए, इस तरह के सवाल तो मुझे लगता है इससे बेहतर सवाल आप लोग ने हमें पूछे हैं. माशाल्लाह इतने कमाल के सवाल पूछते हैं आप कभी कभार कि आपकी आज का मौसम कैसा है और ये कैसा है और वो कैसा है. तो अगर पूछनी है तो मुझे लगता है उन्होंने भी आपसे ही प्रेरणा ली होगी ये सवाल पूछने के लिए. प्रॉब्ली माई टेस्ट इन म्यूजिक. इट्स I mean, it's fairly eclectic, but I love listening to 90s music. A lot of Michael Jackson. One habit that you still carry from the 90s? One habit that I carry from the 90s? You have to pick one out of many, I'm sure. Living and breathing, I started that in the 90s. Breathing is a habit, no? And Ishan ji, so we are waiting for your upcoming project. Ji. Also, there is a news here, you are doing a biopic. Like I said, like I have always said, के अच्छे से अनाउंसमेंट करेंगे उसका. And I am as excited as you are for me to share that news with you. Trust me on that. I'm not being stingy or anything. मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. But सब ढंग से अच्छे से करेंगे and very soon I will share that with you. Where did you hear that news, biopic वाला? We are the media people. We are the media people. Ishan, if you sum up Asterix in one word for you. Retro. होली विश ऑफकोर्स. मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी होली. मौज मनाइए, खूब पिचकारियाँ इसका इस्तेमाल कीजिए, बट ट्राई एंड सेव वाटर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है जब लोग अंडे वंडे फेंकते हैं, वो मत करिए प्लीज. बट इन्जॉय होली. थैंक यू भाई.